फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज मैं आपको चेहरे पर बर्फ को किस तरीके से लगाना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप बर्फ ले सकते हैं। इस तरीके से आप बर्फ का एक क्यूब निकाल ले। क्यूब निकालने के बाद बर्फ आप डायरेक्ट फेस पर नहीं लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फेस पर बर्फ लगाते हैं तो आपका फेस रेडिश हो जाता है, आपके फेस को नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको एक कॉटन का कपड़ा ले लें, उसके अंदर बर्फ के क्यूब को इस तरीके से रखें और अपने फेस पर अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप हल्के हाथ से इस तरीके से अप्लाई करेंगे। बर्फ को फेस पर लगाने से आपके फेस पर एक चमक आ जाती है, साथ ही आपके अगर ओपन पोर्स हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। रेगुलर अगर आप ये महीने में पूरा महीने इसको रेगुलर बिना स्किप किए करेंगे तो आपके फेस के जो दाग धब्बे होते हैं ये उसको भी कम कर देता है, साथ ही आपके डार्क सर्कल भी ठीक होते हैं, क्योंकि ये हम इसको आंखों पर भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको आपको स्किप नहीं करना है, रेगुलर आप इसको यूज करेंगे। पूरा अच्छे से इसको फेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आप दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, सुबह और शाम में। अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आपके फेस के जितने भी झाइयां हल्की, जैसे आपके फेस पर हल्की झाइयां हैं तो ये उसको भी दूर करेगा। अगर आपके फेस बहुत ज्यादा डल हो गया है, आपके फेस पर कोई चमक नहीं है तो ये उसको भी ठीक करेगा। बट आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से कॉटन के कपड़े में रखकर ही अप्लाई करेंगे, नहीं तो आपका फेस बिल्कुल रेड हो जाएगा। इसको कभी भी आप बर्फ को लगाते हैं तो कभी आप इस तरीके से ना लगाएं। दूसरा, अगर आप गर्मियों में मेकअप करने वाले हैं, आपको लग रहा है आपको कहीं जाना है या आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपको लगता है कि भाई हमारा मेकअप नहीं टिकेगा बहुत देर तक, तो उससे पहले आप इस तरीके से पूरे फेस पर बर्फ को अप्लाई करें और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद अपने फेस पर आप मेकअप लगा सकते हैं। अगर आप उस तरीके से मेकअप लगाएंगे तो आपका मेकअप भी टिका रहेगा, साथ ही आपके फेस पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। को अच्छे से आप अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लगता है आपको साइनस है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बर्फ अपने फेस पर लगाएंगे, तो किसी किसी को होता है आप ठंडे के संपर्क में आते हैं तो आपको छींके आनी शुरू हो जाती हैं, या आपको साइनस होता है तो आपको कोल्ड हो जाता है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आप जैसे आप सुबह में लगा लें या दोपहर में लगा लें, लेकिन आपको जैसे आपको कोल्ड है तो इतना पोर्शन आप छोड़कर अपने नोज के आसपास का इसको अपनी चिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको 5 मिनट तक अपने फेस पर लगाना है। 5 मिनट से ज्यादा आप इसको अप्लाई ना करें, पूरा आप अपने नेक पर अच्छे से लगा लें इसको। अब इसके बाद हमें एक मेन चीज है जो हमें इसके साथ यूज करनी है, वो है एलोवेरा जेल। अगर आप सुबह लगाते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, एलोवेरा जेल आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन आप इसको रात को सोने से पहले अगर अपने फेस पर लगा रहे हैं तो आप रात में जरूर इससे मसाज करें अपने फेस पर। थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल ले लें और इसके बाद आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करें इस तरीके से। पूरे फेस पर इसको लगाकर छोड़ दें, लेकिन आपको उससे 2 मिनट तक मसाज करनी है पहले अच्छे से, और फिर इसको आप लगाकर सो सकते हैं। सुबह अपना नॉर्मल पानी से आप इसको धो सकते हैं अच्छे से मसाज करके। मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको लगाकर सो सकती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने आपको ये जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।